आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आई डिलीवर द लेक्चर मेडिकल ऑफ साइंस ग्रेड 6। लेट्स ओपन द पेज नंबर 72। यूनिट नंबर 6, एयर। इस यूनिट में जो हमने स्टडी करनी है वो एयर के अबाउट है। ओवरऑल हम इस यूनिट की समरी अगर करें तो एटमॉस्फेयर सबसे पहले आता है। व्हाट इज एटमॉस्फेयर? ब्लैंकेट ऑफ गैस अराउंड अर्थ। और मुख्तलिफ तरह की गैसेस हैं जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी गैसेस आ जाती हैं। और 700 किलोमीटर तक ये ठीक है। इसमें गैसेस कौन कौन सी हैं एयर में? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और भी इसके अलावा बहुत सी मुख्तलिफ गैसेस मौजूद हैं जिन्होंने अपना गिलाफ बनाया हुआ है, ब्लैंकेट बनाया हुआ है अर्थ के अराउंड। ऑक्सीजन जो है उसकी अपनी इम्पॉर्टेंस है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जितनी भी गैसेस हैं सबकी इम्पॉर्टेंस अपनी अपनी है। ऑक्सीजन किस लिए ज़रूरी है? इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिंदा जानदारों के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। जब ब्रीथिंग का प्रोसेस होता है तो उसमें इनहेल की जाती है ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कहाँ से आती है? प्लांट से। और प्लांट्स में जो ऑक्सीजन है वो रॉ मटेरियल के तौर पर काम करती है। और रॉ मटेरियल जो था वो एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में वो भेज देती हैं। तो ह्यूमंस और एनिमल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं? उस ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन क्या है? कलरलेस गैस है, नो स्मेल। और बर्निंग के प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज़ होती है। अगर बर्निंग का प्रोसेस हो तो बर्निंग के प्रोसेस में ऑक्सीजन मौजूद ना हो तो बर्निंग प्रोसेस नहीं होता। इसके अलावा ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन कब होती है? ऑक्सीजन जब कंबाइन होती है किसी दूसरे एटम के साथ तो उसमें एनर्जी वगैरह जो है वो गेन भी होती है और लॉस भी। एक है ऑक्सीडेशन और एक है रिडक्शन। बर्निंग और रेस्पिरेशन होगी इस प्रोसेस में और रस्टिंग वगैरह। रस्टिंग है और सेकेंड नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस जो है ये भी कलरलेस है और स्मेल वगैरह इसकी भी नहीं होगी। डज नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स। ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ या जो दूसरी सब्सटेंसेस हैं ये उनके साथ रिएक्ट नहीं करती। अगर करे भी तो बहुत माइनर सा, बहुत कम सा रिएक्शन करती है उनके साथ। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स में ये यूज़ होती है, खादों में यूज़ होती हैं। और खादें क्या होती हैं? जो हम फसलों वगैरह में यूज़ करते हैं, खेतों में यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए? ताकि अच्छी क्वालिटी के प्लांट्स वगैरह जो हैं वो हमें मिलें और अच्छी क्वालिटी के और ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रूट्स वगैरह है वो मिलें। कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर में 0.03% इसकी अमाउंट होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनहेल करते हैं प्लांट्स और एक्सहेल करते हैं ह्यूमन या लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एज अ रॉ मटेरियल हमारी बॉडी में बनती है और हमारी बॉडी में इसका कोई काम नहीं, जिस वजह से ड्यूरिंग ब्रीथिंग हम इसको रिमूव कर देते हैं या एक्सहेल कर देते हैं। लेट्स ओपन द पेज नंबर 73। The atmosphere is a blanket of gas around the earth. जो atmosphere है वो क्या है? Blanket की तरह, ग्लाफ की तरह काम करता है अर्थ के इर्द गिर्द। About 700 किलोमीटर thick, we live in its lowest layer. As you go up, it quickly thin out. जैसे जैसे हम हवा में जाते हैं, एयर में जाना शुरू होते हैं तो ये थिन होना शुरू हो जाती है, जो कि एटमॉस्फेयर की ब्लैंकेट थी या उसकी लेयर थी। इनफैक्ट 90% ऑफ द मास ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ इन द लोएस्ट 16 किलोमीटर। द एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ एयर। जो एटमॉस्फेयर है वो मुख्तलिफ तरह की लेयर्स हैं, तहें हैं किस चीज़ की? एयर की, यानी कि हवा की।
कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, जिसमें मुख्तलिफ तरह की गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यानी मुख्तलिफ तरह की गैसेस हो सकती हैं। द पाई चार्ट शोज द गैसेस दैट मेक अप क्लीन एयर। जो पाई चार्ट है वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। नाइट्रोजन कितने परसेंट है? 78%। ऑक्सीजन 21%, यानी जो ब्लू कलर में हमें नज़र आ रहा है पाई चार्ट में वो है नाइट्रोजन जो कि 78% है। ऑक्सीजन शॉकिंग कलर में हमें जो नज़र आ रहा है यहाँ पे पाई चार्ट में 21% ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में। आर्गन 0.9%, यानी जो येलो कलर में है यहाँ पे येलो कलर हमें नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ऑरेंज कलर में है, बिल्कुल बारीक सी थीम सी यहाँ पे लाइन शो हुई है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत कम है। ट्रेस अमाउंट ऑफ अदर गैसेस, इसके अलावा और भी बहुत सी गैसेस हैं जो कि थोड़ी थोड़ी अमाउंट में पाई जाती हैं। उसके बाद है अबाउट 1/5 ऑफ द एयर इज ऑक्सीजन, 1/5 जो है वो ऑक्सीजन मौजूद है। नियरली 4/5 इज नाइट्रोजन एंड द रेस्ट इज मेड अप ऑफ आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेस। यानी ऊपर ही हमें पाई चार्ट में बता दिया गया था कितने परसेंट ऑक्सीजन है, कितने परसेंट नाइट्रोजन है, कितने परसेंट आर्गन है और कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी अमाउंट थी और बाकी जो कुछ गैसेस हैं वो भी स्मॉल अमाउंट में मौजूद होती हैं। ऑक्सीजन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑक्सीजन इज ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए यानी जिंदा जानदारों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल ह्यूमंस एंड एनिमल्स ब्रीथ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन है उसको इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन अब कहाँ से आती है? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर में कहाँ से ऑक्सीजन आएगी? जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस के दौरान इनकी बॉडी में एज अ रॉ मटेरियल बनती है जो कि ऑक्सीजन थी। और ऑक्सीजन की ज़रूरत है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। इट इज़ अ क्लियर कलरलेस गैस, जो ऑक्सीजन है वो बिल्कुल कलरलेस है, कोई इसका रंग नहीं होता, बेरंग है, विद नो स्मेल और कोई स्मेल नहीं है। इट इज़ वेरी स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में बहुत स्लाइटली सोल्यूबल है। इट रिएक्ट विद अलॉट ऑफ सब्सटेंसेस, बहुत से सब्सटेंसेस के साथ ये रिएक्ट करती है टू फॉर्म ऑक्साइड्स, ऑक्साइड की फॉर्म में गिविंग आउट अलॉट ऑफ एनर्जी, और बहुत ज़्यादा जो एनर्जी है वो देती है। ऑक्सीजन इज़ यूज इन ब्रीथिंग एंड बर्निंग, ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने के दौरान हम ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और बर्निंग के प्रोसेस में जब हम लोग सांस इनहेल करते हैं, ब्रीथिंग का प्रोसेस था तो इनहेल करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को साथ ऑक्सीजन को हम इनहेल कर रहे होते हैं। और बर्निंग का प्रोसेस है जब किसी चीज़ को जलाया जाता है तो वो भी ऑक्सीजन के साथ जो कि एटमॉस्फेयर में एयर में ऑक्सीजन मौजूद थी इसके साथ रिएक्ट करती है और बर्निंग का प्रोसेस होता है जब कोई चीज़ वगैरह जलाई जाती है। The process whereby oxygen combined with another substance is called oxidation. ऐसा process जिसमें oxygen जो है वो combine होती है किसी दूसरे substance के साथ, उस process को हम oxidation बोल देते हैं। Next topic है burning. A flame needs oxygen to burn. कोई flame है उसने जलना है, बर्न करना है तो किस चीज़ की ज़रूरत होगी? ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन जो है वो फ्लेम बर्न नहीं करेगा, उसे ज़रूरत है ऑक्सीजन की। वुड, कोल एंड पेपर ऑल कंटेन एन एलिमेंट्स कॉल्ड कार्बन। व्हेन एनी कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस इज़ बर्न, जब किसी कार्बन पे मुश्तमिल जो सब्सटेंस है उसको जलाया जाता है ऑक्सीजन इन द एयर कम्बाइन, तो ऑक्सीजन जो थी वो हवा में मौजूद थी पहले से ही, वो कंबाइन हो जाती है विद कार्बन, कार्बन के साथ टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हीट एंड लाइट।
और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जो बर्निंग का प्रोसेस था, जिस चीज़ को हम जला रहे थे उसमें कार्बन पहले से ही मौजूद थी, एयर से वो ऑक्सीजन लेगा, एयर से ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। कार्बन थी और ऑक्सीजन जो थी वो एयर से लेगा, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोसेस हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी और इसका रिजल्ट क्या होगा कि हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस होंगे। जब किसी चीज़ को जलाया जाता है तो हीट तो प्रोड्यूस हो रही है और साथ ही साथ लाइट वगैरह भी प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा जो हवा है वो बहुत से जो टिनी पार्टिकल्स हैं, छोटे पार्टिकल्स हैं, उन पर मुश्तमिल होती हैं और इन पार्टिकल्स को हम एरोसोल्स भी बोलते हैं। और एरोसोल्स में क्या आ जाता है, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं और पोलन्स वगैरह। पोलन्स क्या हैं, जो कि प्लांट्स पे पोलन ग्रेन्स लगे होते हैं, आर पिक्ड अप नेचुरली व्हेन द विंड ब्लो। एयर कैन आल्सो कैरी सूट, स्मोक एंड अदर पार्टिकल्स फ्रॉम कार एग्जॉस्ट एंड पावर प्लांट्स। इन सब चीज़ों में जो ये डस्ट पार्टिकल्स हैं या पोलन्स वगैरह हैं, ये एरोसोल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन पेज नंबर 74। When we burn coal, जब कोयले को हम जलाते हैं, the oxygen in the air, एयर में ऑक्सीजन पहले से मौजूद थी, कंबाइन वो होती है किसके साथ, कार्बन के साथ, in the coal to form carbon dioxide, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बना देती हैं। जिस तरह से ये डायग्राम में हमें दिखाया गया है, ये कोल था पहले से ही, ऑक्सीजन हमने इसको जलाना था, ऑक्सीजन जो है वो एयर से आएगी, दोनों कंबाइन होंगे कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन जो है दोनों कंबाइन होंगे, तो यहाँ पे वो क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन। It is a process by which living things break down food and obtain energy. ऐसा process जिसमें living things जो हैं food की breakdown करते हैं, उसको तोड़ते हैं और energy हासिल करते हैं। obtain हासिल करना, energy को हासिल करते हैं food को तोड़ के। During this process इस अमल में क्या होता है, carbon dioxide and energy are produced. carbon dioxide तो produce हो रही है लेकिन साथ ही साथ जो है वो energy भी produced होगी। यहाँ पे इसकी इक्वेशन बताई गई है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन इन दोनों का जो प्रोसेस है, दोनों जो थे हमारे पास रिएक्टेंट के तौर पर थे, जो अभी चीज़ नहीं बनी उनको हम रिएक्टेंट बोलेंगे। जब उन दोनों ने कंबाइन हो के, ये जितनी भी यहाँ पे चीज़ें थी, रिएक्टेंट जितने भी थे हमारे पास, जब ये कंबाइन होंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास मटेरियल आएगा वो प्रोडक्ट कहलाएगा। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है ये दोनों कंबाइन होंगे, कंबाइन होने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, वाटर प्लस एनर्जी। थर्ड वन है रस्टिंग। रस्टिंग क्या है, इट इज़ द रिएक्शन ऑफ आयरन विद ऑक्सीजन। आयरन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा प्रेजेंट इन द एयर, हवा की मौजूदगी में। आयरन ऑक्साइड, जो आयरन ऑक्साइड थी वो रस्ट की फॉर्म में हो जाएगी, इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट। जो आयरन है उस पर रस्ट लगना शुरू हो जाएगा और आयरन और ऑक्सीजन जो है ये दोनों एयर की मौजूदगी में प्रोसेस करेंगे और ये रस्टिंग का प्रोसेस हो जाएगा, ये जो जंग वगैरह लगता है। नेक्स्ट मूव ऑन पेज नंबर 75। यूजेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कुछ इस्तेमाल हैं। ऑक्सीजन इज फिल्ड इन द सिलेंडर्स ऑफ डाइवर्स एंड माउंटेनियर्स। ऑक्सीजन जो है वो फिल की जाती है सिलेंडर्स में। स्पेस रॉकेट्स कैरी लिक्विड ऑक्सीजन एज फ्यूल। जो स्पेस रॉकेट्स हैं, जो स्पेस में भेजवाए जाते हैं रॉकेट्स वगैरह, उसमें ऑक्सीजन यूज़ होती है फ्यूल के तौर पर, ईंधन वगैरह के तौर पर, लेकिन किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में। वैसे तो ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में होती है लेकिन जो रॉकेट्स वगैरह हैं उनमें ऑक्सीजन जो है वो लिक्विड फॉर्म में होगी, यानी कि माया फॉर्म में।
ऑक्सीजन इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्री टू मैन्युफैक्चर स्टील. इसके अलावा ऑक्सीजन इंडस्ट्रीज में कारखानों में यूज़ होती है मैन्युफैक्चर यानी कि तैयारी के लिए. किस चीज़ की तैयारी के लिए? स्टील बनाने की तैयारी के लिए. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग प्लास्टिक्स एंड टू क्रिएट अ वेरी हॉट फ्लेम फॉर वेल्डिंग. इसके अलावा हम इसको प्लास्टिक बनाने में यूज़ करते हैं और वेल्डिंग वगैरह में यूज़ किया जाता है. जो आयरन लोहे वगैरह की चीज़ें होती हैं, स्टील की चीज़ें होती हैं, उसको वेल्ड जब हम करवाते हैं टूट जाए तो वेल्डिंग वगैरह में जो प्रोसेस यूज़ होता है वो ऑक्सीजन के यूज़ से ही किया जाता है. ऑक्सीजन फॉर्म द कंपाउंड ओजोन विच इज़ प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर फॉर्मिंग द ओजोन लेयर विच हेल्प टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन. ओजोन लेयर के तौर पर भी ये काम कर रही है ऑक्सीजन, ताकि सन रेज से जो सूरज की शुआएँ हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं हैं, उनसे बचा जा सके. जो ओजोन लेयर है वो हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर एक बारीक सी थिन सी लेयर है जिसने कवर किया हुआ है हमारी अर्थ सरफेस को. किस वजह से कवर किया हुआ है? ये बहुत सी जो गैसेस हैं उनका मजमुआ है, और जो सन रेज आती हैं, जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, हमारे लिए हार्मफुल हैं, उनको अर्थ पे आने से, ज़मीन पे आने से रोकती हैं. और ये ओजोन लेयर का काम है. ये एक ग्लाफ की तरह काम करती है जो कि ऊपर से जहरीली जो शुआएँ हैं या अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं उनको अर्थ तक नहीं आने देती. यहाँ पे डायग्राम में कुछ एग्जांपल्स बताई गई हैं. एस्ट्रोनॉट्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम इन स्पेस टू ब्रीथ. एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने पास रखते हैं जब वो स्पेस में जाते हैं. किस चीज़ के लिए? सांस वगैरह लेने के लिए, क्योंकि स्पेस में ऑक्सीजन वगैरह मौजूद नहीं है. वी नीड ऑक्सीजन टू लाइव. हमें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. सो डीप सी डाइवर्स ऑल्सो कैरी ऑक्सीजन इन सिलेंडर्स. तो जो सी डाइवर्स होते हैं, गोताखोर जो होते हैं, वो भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन यूज़ करते हैं. किस तरह से? सिलेंडर्स अपने साथ रखते हैं. यहाँ पे डायग्राम में हमें शो हो रहा है ये सिलेंडर उसने साथ अपने कैरी किया हुआ है. एक्वेटिक एनिमल्स टेक इन द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर टू ब्रीथ. जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं यानी कि जो पानी में रहने वाले जानदार हैं, वो किस तरह से ऑक्सीजन लेते हैं? उन्हें बहुत कम अमाउंट में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. कम अमाउंट में जो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो किस लिए ज़रूरत थी उन्हें? जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है पहले से ही, जिस तरह से वाटर है, वाटर का ये फॉर्मूला होगा H2O. तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो थी उसमें, लेकिन जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को वो बिल्कुल कम अमाउंट में उन्हें चाहिए है, जो कि पहले से ही पानी में डिजॉल्व थी, उसको वो यूज़ कर लेते हैं ऑक्सीजन को. नेक्स्ट है नाइट्रोजन. दिस गैस मेक्स अप मोस्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर. जो नाइट्रोजन गैस है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है, जिस तरह से हमने पीछे पाई चार्ट में भी देखा था. इट डज नॉट रिएक्ट ईज़िली विद अदर एलिमेंट्स. ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ बड़ी आसानी से रिएक्ट नहीं करती. हाउएवर इट कैन सम टाइम रिएक्ट विद ऑक्सीजन. लेकिन कभी कभार ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेती है और क्या बनाती है? नाइट्रेट. यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और ये नाइट्रेट बनाएगी, विच आर एब्जॉर्ब्ड, और ये अब्जॉर्ब करती है एंड यूज्ड बाय प्लांट्स टू मेक प्रोटीन. प्लांट्स को नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. किस चीज़ के लिए? प्रोटीन्स के लिए. अब जो नाइट्रोजन है ये लेंगे, हो सकता है ये सॉइल से ले लें, क्योंकि सॉइल में भी नाइट्रोजन मौजूद थी. जब ये सॉइल में मौजूद होगी तो प्लांट्स उसको यूज़ कर लेंगे अपनी प्रोटीन की तैयारी के लिए. प्रोटीन की उन्होंने अपनी तैयारी करवानी थी, तो इन्हें अच्छी तरह से जो फूड थी, अच्छी क्वालिटी की जो फूड थी वो मिल सकती है. लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, प्रोटीन की कमी हो जाए, तो हो सकता है जो प्लांट है वो सही तरह से ग्रो ना करे. नेक्स्ट मूव ऑन पेज नंबर 76. प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं. इट्स फॉर्मूला इज N2. यानी नाइट्रोजन N के लिए हम यूज़ करेंगे. इट इज़ अ कलरलेस गैस.
इसका कोई रंग नहीं होता, विद नो स्मेल। और जिस तरह से हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा था, ऑक्सीजन जो है वो भी कलरलेस थी और स्मेल वगैरह नहीं थी, ऑडोरलेस थी। इसी तरह से नाइट्रोजन जो है ये भी कलरलेस गैस है विद नो स्मेल, यानी कि ऑडोरलेस है। इट इज़ ओनली स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में बहुत स्लाइटली ये सोल्यूबल है, यानी कि बहुत कम अमाउंट में ये जो है वो उसमें हल पजीर है। इट इज़ नॉट वेरी रिएक्टिव विद लाइक ऑक्सीजन। जिस तरह से ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी कि किसी भी गैस के साथ ये मिल के अपना प्रोसेस कर सकती है, रिएक्शन वगैरह कर सकती है, उस तरह से नाइट्रोजन नहीं है। बट इट डज़ कम्बाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। लेकिन अमोनिया बनाने के लिए ये हाइड्रोजन के साथ कम्बाइन हो जाती है ताकि अमोनिया वगैरह बनाया जा सके। इट ऑल्सो कम्बाइन विद ऑक्सीजन। इसके अलावा ये कम्बाइन होती है ऑक्सीजन से एट हाई टेम्परेचर टू फॉर्म ऑक्साइड्स टू नाइट्रोजन और नाइट्रेट्स। या तो नाइट्रेट की फॉर्म में हो जाएगी, लेकिन कब ये नाइट्रेट्स की फॉर्म में होगी, जब ये ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पर, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, हाई टेम्परेचर पर जब ये रिएक्ट करेगी, देन ये नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट होगी। यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के इस्तेमाल क्या हैं? नाइट्रोजन इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स, यानी कि खादें वगैरह बनाने में जो नाइट्रोजन है वो यूज़फुल है। लिक्विड नाइट्रोजन इज़ यूज्ड फॉर फ्रीजिंग फूड। जो लिक्विड में यानी कि माया में नाइट्रोजन होती है वो खाना वगैरह जो है उसको फ्रीज करने में इस्तेमाल होती है। इट इज़ यूज्ड इन इंजीनियरिंग टू फ्रीज द लिक्विड इन डैमेज्ड पाइप्स बिफोर रिपेयरिंग दैम। इट इज़ पम्प्ड इनटू ऑयल स्टोरेज टैंक टू प्रिवेंट फायर्स, यानी आग वगैरह लगने से भी ये रोकती है। इट इज़ यूज्ड इन फूड पैकिंग टू कीप द फूड फ्रेश। इसके अलावा जो नाइट्रोजन है ये यूज़ होती है फूड पैक करने में, ताकि फूड ज़्यादा देर तक हम लोग फ्रेश रख सकें। कुछ यहाँ पे फर्टिलाइज़र दिखाए हैं, जैसे कि पोटेशियम, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है। फर्टिलाइज़र क्या थे? खादें वगैरह थी जो कि हम यूज़ करते हैं फसलों में, ताकि ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के फूड जो है वो हमें मिल सके और अच्छी जो फसल है वो ग्रो करे। नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एयर कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। जिस तरह से हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो है वो एयर में मौजूद होती है, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी एयर में मौजूद है। Although it constitute about 0.03% of air, इतने परसेंट एयर में मौजूद है 0.03। It is of great importance of life on the earth। ज़मीन पे इसकी भी बहुत ज़्यादा अहमियत है। जिस तरह से ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और वो अर्थ पे होनी चाहिए, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग रेस्पायरेशन बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। रेस्पायरेशन के प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स दोनों। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द डिके ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल, कम्बस्शन ऑफ वुड एंड अदर सब्सटेंसेज। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑर्गेनिक मटीरियल के तौर पर काम करती है, जो डिके ऑर्गेनिक मटीरियल है, और लकड़ी की कम्बस्शन में और दूसरे सब्सटेंसेज वगैरह बनाने में। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, खसूसियात हैं। इट्स फार्मूला इज़, इसका जो फार्मूला है वो CO2 है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। डाई हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा। इट इज़ अ कलरलेस गैस विद नो स्मेल। ये भी बिल्कुल ओडोरलेस है और कलरलेस है, यानी कि इसका कोई कलर नहीं होता, बेरंग है। इट इज़ हैवियर देन एयर, हवा से ज़्यादा ये हैवी होती है। इट डज़ नॉट हेल्प थिंग्स टू बर्न, ये चीज़ों को जलाने में हेल्पफुल नहीं है। जैसे कि ऑक्सीजन में हमने पढ़ा था कि अगर हमने किसी चीज़ को बर्न करना है तो ऑक्सीजन से वो रिएक्ट करके लाइट प्लस हीट जो है वो प्रोड्यूस करेगी, यानी कि फायर की फॉर्म में होगी। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हेल्पफुल नहीं है बर्निंग के प्रोसेस में। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में बहुत कम ये सोल्यूबल है, फॉर्मिंग अ वीक एसिड कॉल्ड कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड की फॉर्म ही होती है जो कि बहुत ही वीक एसिड है। नेक्स्ट मूव ऑन पेज नंबर 77।
यूजेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के कुछ इस्तेमालात हमने बताने हैं। इट इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, यानी जो आग बुझाने वाले होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन कोल्ड ड्रिंक्स, जो हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, बॉटल्स वगैरह, उसमें भी उसको फिजी बनाने के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ कॉल्ड ड्राई आइस, जो सॉलिड होगी वो ड्राई आइस में होती हैं, और ड्राई आइस किस लिए इस्तेमाल हम करते हैं, फूड को फ्रोज़ करने के लिए, फ्रोजन करने के लिए, यानी फूड को जमाने के लिए हम जो ड्राई आइस है वो यूज़ करते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से बनी होती हैं। वी नो दैट एयर इज़ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज, जैसा कि हम जानते हैं कि जो एयर है वो मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर है। ऑल ऑफ विच आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, और ये सारी जो हैं इंडस्ट्रीज में यूज़ होती हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बताई गई हैं यूजेस ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन एयर, जो कि एयर में तो मौजूद हैं लेकिन हम भी इनको इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग वेरी हॉट फ्लेम, जैसे वेल्डिंग, वेल्डिंग में यूज़ किया जाता है किस चीज़ को, ऑक्सीजन को। ये हमें दो ओ क्यों दिखाए गए हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसका फॉर्मूला था O2, यानी कि इसमें ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं। डज नॉट बर्न बट हेल्प अदर सब्सटेंसेस टू बर्न, वो तो नहीं ऑक्सीजन जो है वो बर्न करती या जलती नहीं, बल्कि जब ये किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ, किसी दूसरी एशिया के साथ रिएक्ट करती है या मिलती है, कंबाइन होती है, तो देन ये बर्निंग का प्रोसेस करवाती है। इसके अलावा यूज फॉर ब्रीथिंग, सांस लेने के प्रोसेस में हम इसको यूज़ करते हैं, और सेकेंड यहाँ पे जो उसने बताया था वेल्डिंग वगैरह में हम इसको यूज़ करते हैं हॉट फ्लेम के तौर पे। नेक्स्ट यहाँ पे नाइट्रोजन बताई थी, नाइट्रोजन यहाँ पे दो मॉलिक्यूल हैं, यानी जो नाइट्रोजन है उसका फॉर्मूला जो है वो N2 हो जाएगा, दो मॉलिक्यूल्स थे नाइट्रोजन के। इसको हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र्स में, यानी कि खादें वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं फूड को फ्रीज़ करने के लिए। लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो सो कोल्ड दैट इट फ्रीज़ फूड इमिजिएटली, फूड को स्टोर करने के लिए हम जो लिक्विड में नाइट्रोजन थी उसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आर्गन है, डज नॉट बर्न और अलाउ अदर थिंग्स टू बर्न इन इट, ना तो ये खुद बर्न करता है ना दूसरी गैसेस के साथ ही रिएक्ट करके बर्न करेगा। यूज्ड फॉर फिलिंग लाइट बल्ब्स विद आर्गन सराउंडिंग इट, द वायर फिलामेंट कैन गेट वेरी हॉट विदाउट बर्निंग। इसके अलावा जो आर्गन है ये लाइट बल्ब वगैरह में फिलिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कार्बन एक मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल, तो ये क्या हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कहाँ पे यूज़ होती है, डज नॉट बर्न, ये नहीं जलती, एंड पुट्स आउट थिंग्स विच आर बर्निंग। हम इसको कोल्ड ड्रिंक में यूज़ करते हैं, फिजिन कोला, उसको फिजिस्ट उसका जो टेक्स्चर है उसके लिए। इसके अलावा यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ डेंसर देन एयर एंड सेटल्स डाउन ओवर द फायर पुटिंग इट आउट। यहाँ पे इस पाई चार्ट में अमाउंट बताई गई हैं कुछ गैसेस की, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नोबल गैसेस, जिस तरह से आर्गन और मुख्तलिफ तरह की गैसेस वगैरह इसमें मौजूद होती हैं। नेक्स्ट मूव ऑन पेज नंबर 78। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन क्या है, किस वजह से होती है, जो अनवांटेड और हार्मफुल सब्सटेंसेस वगैरह जब हवा में शामिल होना शुरू हो जाते हैं, एयर में ये शामिल होना शुरू हो जाते हैं, जो कि अनप्लेजेंट जो डस्ट पार्टिकल्स थे या जो हमें सूट नहीं करते, ये सारे जो चीज़ें एयर में जब जाना शुरू हो जाती हैं तो ये क्या करती हैं, एयर पोल्यूशन की वजह बनती हैं, और इनको हम एयर पोल्यूटेंट्स भी बोलते हैं। अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस, अनवांटेड जो कि हमारे लिए सही नहीं है, ना खुशगवार हैं, एंड हार्मफुल जो नुकसानदेह सब्सटेंसेस चीज़ें हैं इन दी एयर, हवा में, वो क्या कॉज करती हैं, किस चीज़ की वजह बनती हैं, एयर पोल्यूशन की, यानी कि हवा की आलूदगी की।
द मेन सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन जो एक अहम ज़रिया है हवा में आलूदगी का इज़ द बर्निंग ऑफ कोल जो कोयला वगैरह जलाया जाता है एंड ऑयल इन हाउसेज घरों में जो ऑयल वगैरह हम यूज़ करते हैं फैक्ट्रीज पावर स्टेशंस एंड व्हीकल्स इंजन्स इन सब चीज़ों से जो ये गैसेस वगैरह रिलीज होती हैं वो सारी कहाँ पे जाती हैं एयर में और ये क्या कॉज करती हैं एयर पोल्यूशन जो कि हवा को आलूदा कर रही हैं When burned, these fuels produce soot, smoke, and a mixture of poisonous gases. जब इन सब चीज़ों को जलाया जाता है फैक्ट्रीज़ में जो कारखानों वगैरह में ये चीज़ें जलाई जाती हैं चिमनी से निकलने वाला जो धुआँ वगैरह है अगर उसको फ़िल्टर करके ना रिलीज़ करवाया जाए तो ये क्या प्रोड्यूस करती हैं सूट स्मोक यानी धुआँ वगैरह और मिक्सचर ऑफ पॉइजनस गैसेज बहुत सी जहरीली गैसेज जो हैं उनका मिक्सचर बनाती हैं विच आर कैरी इन द एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम जो कि हवा में बहुत ज़्यादा देर तक रहती हैं दे कॉज ब्रीथिंग प्रॉब्लम सांस के बहुत से मसाइल इससे हो सकते हैं एंड लंग डिजीज और फेफड़ों की बहुत सी बीमारियाँ इसकी वजह से होती हैं दे कैन एंटर क्लाउड्स और जब ये बादलों में एंटर हो जाते हैं दाखिल हो जाते हैं एंड फॉल बैक टू द अर्थ और ज़मीन पे जब बारिश की फॉर्म में जब नीचे आते हैं एज एसिड रेन और ये तेजाबी बारिश की वजह बनते हैं एसिड रेन डैमेज बिल्डिंग्स अब एसिड रेन क्या करती है ये बिल्डिंग्स को डैमेज कर देती है ट्रीज़ को डैमेज कर देती है क्रॉप्स जो फसलें वगैरह हैं उन्हें डैमेज कर देती हैं एंड ऑल्सो पॉइजन फिश एंड अदर वाटर लाइफ इसके अलावा जब ये समुद्रों में या जो वाटर बॉडीड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी ये बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं क्योंकि जो रेन वाटर है वो जब समुद्रों में या दरियाओं वगैरह में जाएगा झीलों में जाएगा तो वो क्या करेगा जो एसिड रेन थी वो तो उसमें मिक्स होना शुरू हो जाएगी एसिड रेन में क्या मौजूद था पॉइजनस गैसेस थी पॉइजनस गैसेस कहाँ से आई जो कि हम चिमनीज वगैरह और स्मोक और घरों से जो ये सारी धुआँ वगैरह हैं या ऑयल वगैरह था बर्निंग ऑफ ऑयल ये सारी चीज़ें जब एयर में जाती हैं तो ये क्लाउड्स में जाएंगी क्लाउड्स बादल बनेंगे दोबारा से जब वो ज़मीन पर आएंगे तो क्या होगा वो बारिश एसिड रेन की फॉर्म में होगी एक तो ये बिल्डिंग्स को डैमेज कर देगी दूसरा जो ट्रीज़ वगैरह हैं उनको हड़प कर देगी जो ज़मीन है फर्टिलिटी है जो सॉइल की उसको भी ये तबाह कर सकती है फसलों को तबाह कर देगी और इवन के जो वाटर बॉडीड ऑर्गेनिजम्स हैं उनको भी ये ख़त्म कर देगी नेक्स्ट यूनिट नंबर 6 की हमने एक्सरसाइज करनी है ड्रिंक को फिजी बनाने के लिए भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है नेक्स्ट हमने क्वेश्चंस करने हैं यूनिट नंबर 6 एयर के यूनिट नंबर 6 एयर क्वेश्चन नंबर 1 है रिकॉल क्वेश्चंस एक्सप्लेन एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस हमने एक्सप्लेन करना है कि जो एयर है वो गैसेस का मिक्सचर है The air around us is a mixture of gases, जो हवा हमारे इर्द गिर्द है अराउंड अस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी पाई जाती है एयर में ये भी तो गैसेस का मिक्सचर है ना नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बट कंटेनिंग
much smaller carbon dioxide. And very small amount of other gases. Air also contain suspended dust, spores and bacteria. हवा जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है ये बहुत सी गैसेस का मिक्सचर है जिसमें नाइट्रोजन भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी है और कुछ अमाउंट में, यानी कि बिल्कुल स्मॉल सी अमाउंट में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है एंड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर गैसेस. इसके अलावा आर्गन और दूसरी जो गैसेस थी वो भी सारी इसमें मौजूद हैं. एयर ऑल्सो कंटेन सस्पेंडेड डस्ट, स्पोर्स और बैक्टीरिया. इनमें ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि एक तो ये गैसेस का मिक्सचर है और दूसरा ये एयर को पोल्यूट भी करती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर क्या है? द एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ गैस अराउंड द अर्थ अबाउट 700 किलोमीटर थिक. एटमॉस्फेयर क्या था? ये एक ब्लैंकेट के तौर पर काम करता है एटमॉस्फेयर में ऑफ गैस अराउंड द अर्थ, जो कि गैसेस का गलाफ बना हुआ है अर्थ के अराउंड अबाउट 700 किलोमीटर थिक, जो कि 700 यानी कि 700 किलोमीटर तक ये थिक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की कुछ हमने प्रॉपर्टीज बतानी हैं. ऑक्सीजन इट इज अ क्लियर कलरलेस गैस विद नो स्मेल, यानी ऑडरलेस है. इट इज वेरी स्लाइटली सोल्यूबल नेक्स्ट है नाइट्रोजन. इट इज़ अ कलरलेस गैस विदाउट स्मेल, ये भी ऑडरलेस है.
it is slightly soluble in water. बहुत कम अमाउंट में ये वाटर में सॉल्यूबल है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर अस. जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी इम्पॉर्टेंस हमने बतानी है. अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस, अनवांटेड यानी कि जो हमें हमारे लिए खुशगवार नहीं है, हमें अच्छे नहीं लगते, तो अनवांटेड ना खुशगवार जो सब्सटेंसेस हैं और हार्मफुल जो नुकसानदेह हैं. अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एयर एयर पोल्यूशन द मेन सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन. एयर पोल्यूशन का जो मेन ज़रिया है या एयर पोल्यूटेंट जो हैं, पोल्यूटेंट्स कौन से हैं, बर्निंग ऑफ कोल, एयर पोल्यूशन is the burning of coal, यानी जो कोयला वगैरह है, and oil in houses, factories. Power stations, etc. तो ये क्या थे सारे, ये एयर पोल्यूटेंट्स हैं जो कि क्या करते हैं, एयर को पोल्यूट करने की वजह बनते हैं. और ये सारे सोर्सेज जो थे ये एयर पोल्यूशन की वजह बन रहे हैं, जिनको हम एयर पोल्यूटेंट्स भी बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, अनवांटेड एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस. अनवांटेड यानी कि जो नाखुशगवार थे, और हार्मफुल जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं. इन द एयर कॉज एयर पोल्यूशन, द मेन सोर्स ऑफ, जो मेन जरिया है एयर पोल्यूटेंट्स का या एयर पोल्यूशन के लिए, is the burning of coal, coal वगैरह को जलाने में यानी कोयले को जलाने में इस्तेमाल किया जाता है,
और जो कोल वगैरह है ये भी एयर पोल्यूटेंट्स की वजह बनते हैं. एंड ऑयलिंग हाउसेस फैक्ट्रीज और पावर स्टेशंस एटसेट्रा. नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर वन है, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, गिव एन एग्जांपल. ऑक्सीडेशन क्या है, साथ में इसकी एग्जांपल हमने बतानी है. ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है इन विच ऑक्सीजन रिएक्ट विद अनदर सब्सटेंस ऑक्सीडेशन ऐसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करेगी, अमल करेगी किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ. इसमें बर्निंग का प्रोसेस होगा, रेस्पिरेशन का होगा और रस्टिंग का होगा. फर्स्ट पे हम बर्निंग का प्रोसेस करेंगे. A flame need oxygen to burn. ऑक्सीजन की जरूरत होती है जलाने के लिए. किस चीज़ को हम यूज़ करते हैं, वुड, कोल, लकड़ी होती है, कोयला होता है और पेपर, कागज़ वगैरह जो हैं हम यूज़ करते हैं जलाने के लिए. ऑल कंटेन वन एलिमेंट called carbon. When any carbon containing, अब जो wood थी, coal था और paper था, ये contain किस पे करते हैं, इनकी किस चीज़ पे मुश्तमिल है, carbon पे. और जब कोई carbon, when any carbon containing कार्बन पर कंसिस्ट करती है यानी कि उसमें कार्बन मौजूद था, उसको हम जलाते हैं. ऑक्सीजन इन द एयर, तो जो ऑक्सीजन पहले से ही हवा में मौजूद थी वो रिएक्ट करेगी उस कार्बन के साथ, कंबाइन होगी combine with carbon to produce carbon dioxide
क्योंकि कार्बन तो उस चीज़ में मौजूद थी, और ऑक्सीजन ये एयर से लेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, साथ में हीट और लाइट। हीट एंड लाइट बर्निंग का प्रोसेस है। उसमें उसने बताया कि हमने कोई शोला वगैरह अगर जलाना है, फ्लेम वगैरह है कोई, तो उसको ज़रूरत है ऑक्सीजन की जलने के लिए। और कार्बन जो है वो वुड में, यानी कि लकड़ी में, कोल कोयले में और पेपर कागज़ वगैरह में पहले से ही कार्बन जो है वो मौजूद होती है। और जब हम इसको जलाते हैं तो ऑक्सीजन जो कि पहले से ही एयर में मौजूद थी उससे वो ऑक्सीजन लेंगे, दोनों कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना जाती हैं और साथ में हीट और लाइट वगैरह प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग थिंग्स ब्रेक डाउन फूड। जो लिविंग थिंग्स हैं, यानी जिंदा जानदार हैं, ये जिंदा चीज़ें हैं, वो क्या करती हैं? फूड की ब्रेक डाउन करती हैं, उसको तोड़ती हैं। फूड एंड ऑब्टेन एनर्जी, और एनर्जी हासिल करती हैं। During this process, carbon dioxide and energy is produced. इस प्रोसेस में फूड की ब्रेक डाउन होगी और जो एनर्जी है वो, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होगी। ग्लूकोज और ऑक्सीजन, अगर यहाँ पे इनका रिएक्शन देखा जाए, ग्लूकोज ऑक्सीजन ये दोनों क्या थे? रिएक्टेंट थे हमारे पास। अब जब ये कंबाइन होंगे तो ये प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, साथ में एनर्जी जो है वो रिलीज करेंगे। थर्ड पे हमने करना था रस्टिंग। इट इज़ अ रिएक्शन ऑफ आयरन विद ऑक्सीजन। ऐसा रिएक्शन है जिसमें आयरन और ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन होते हैं या रिएक्ट करते हैं। विद ऑक्सीजन in the air iron oxide बनाएगा ये, क्योंकि oxygen जो है वो react करेगी, तो iron oxide यानी किस form में? rusting की form में rust हो जाएगा, ये जंग आलूद हो जाएगा। is formed as a result।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है, प्रूव दैट एयर सपोर्ट बर्निंग. हमें प्रूव करना है कि जो एयर है वो किस तरह से बर्निंग के प्रोसेस को सपोर्ट करती है. प्लेस अ कैंडल इन अ टब. एक कैंडल ली हमने. लाइट द कैंडल फिल द टब. With the water. The candle flame start growing after some time. Now cover the candle with an inverted glass. Inverted glass से हमने उस candle को cover कर दिया. You will find that the candle blow out after burning for some time. For some time. And the water level of inverted glass rises to some extent. The component oxygen of air oxygen and air inside the glass is used up in burning. Therefore, water occupy that space
दिस शो दैट एयर सपोर्ट बर्निंग. इसी प्रोसेस से क्या पता चलता है कि जो एयर है वो सपोर्ट करती है बर्निंग के प्रोसेस में. और यूनिट नंबर 6 इज कंप्लीट. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. अल्लाह हाफिज़. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.